time interview. Welcome back to my YouTube channel, Founder Rajin Kev. And I hope all are doing absolutely great. Actually, absolutely great. बोल नहीं सकते, इतना बड़ा pandemic situation है, critical situation है, तो फिर भी आपका सेहत का ख्याल रखिए प्लीज. सो फिलहाल मैं नीचे उतरा हूँ, अभी मम्मी ने काम पे लगा है. अभी मम्मी डैडी को नीचे उतारना नहीं है क्योंकि एज हो गई है, तो मुझे जाना पड़ रहा है. थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग, थोड़ा फ्रूट्स, थोड़ा हम लोग को नारियल पानी लेने जाना है. नारियल पानी से इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी मतलब अपना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है. एंड नारियल पानी ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूध दही नारियल पानी ये सब लेने जाना है. सो नमस्कार. तो ये हमारे सिक्योरिटी, अभी फिलहाल नारियल पानी देखते हैं नारियल पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अभी बजे है 10:40, सिर्फ 20 मिनट में सारे दुकानें वापस बंद होने वाले हैं शायद से. गली कितनी सुमसान लग रही है. अब आप सोचते रहेंगे दोस्तों कि मैंने कैप क्यों पहना है, गॉगल क्यों पहना है, मास्क क्यों पहना है. भाई गर्मी इतनी बढ़ गई है, गर्मी से बचना ज़रूरी है. गर्मी बढ़ गई है, गर्मी से बचना ज़रूरी है, कोरोना से बचना ज़रूरी है, सेहत अच्छी रखनी है. कितना क्या क्या काम जाम संभालना पड़ रहा है यार. ये तो अच्छा है कि मेरी शादी नहीं हुई है. जिसकी शादी हुई है उसको तो, उन लोग को तो सबको संभालना पड़ रहा है, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, अपने पति को, अपने पत्नी को, सबको खुश रखना और डिफिकल्ट हो गया है सच्ची में, कसम से. ये देखो दुकानें बंद पड़ी है यार. है आगे कांदे बटाटे वाले, तरबूज है, अंडा है, सब्जी है, सब कुछ मिल रहा है फिलहाल, बट शायद 11 बजे तक. सो दोस्तों मैंने अभी ऐसा सब्जी लेने आया हूँ, सब्जी लेने के टाइम पे टोकरी ऐसे सजा रखी है कि ऐसा लग रहा है यहीं पे खाना खा लूँ. सैलड रहता ना. सो दोस्तों दुकानें सच में 11 बजे बंद होने वाली है और यहाँ पे 7 से 11 चालू रहने वाले हैं दुकानें. ये मैं कामोटे नवी मुंबई की बात कर रहा हूँ और लोग बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में लोग कम नीचे उतरे हैं. और गली तो फिलहाल ठीक है, गली में कुछ इतना भीड़ भाड़ नहीं है, बट जहाँ पे शॉप्स है वहाँ पे भीड़ लगी हुई है दोस्तों. बहुत मुश्किल होने वाला है ये सफ़र, ये दिन चले जाने चाहिए यार, बहुत गंदे दिन है. ऐसे दिन फिर से आने ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, एटलीस्ट 100 साल तो नहीं आने चाहिए. हाँ हे भगवान. फ़िलहाल मैंने लिया टैंग, 2 नारियल पानी, आधा डजन केला, आधा डजन टमाटर, गवारी की सब्ज़ी और क्या, दूध लिया, दही लिया. 2 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे. अभी डेली ग्रोसरी शॉपिंग हो गया, घर पे जाते हैं. अभी बहुत धूप है. फाइनली कैप निकाल के और गॉगल निकालने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. फिलहाल वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो के हो गया है, अब ये कपड़े सुखाने डालने हैं. बाबा ले काम है ले. तो फ्रेंड्स सनसेट होने को है और अभी हमारी लिफ्ट भी आ गई है. जैसे कि आप देख सकते हो, आप लोग कल सोचे रहेंगे कि जिम सारे तो बंद है तो ये कौन से जिम में जाता है. तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ कितनी दूर मैं जिम जाता हूँ, कितना डेडिकेटेड हूँ मैं. और ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी घर से बाहर भी निकलते हो तो ये मास्क पहनना ज़रूरी है. फिटनेस के टाइम पे अगर आपके साथ कोई और जिम कर रहा है तो सैनिटाइज और मास्क रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है. और लिफ्ट सबसे डेंजरस डरावनी चीज़ है अभी फ़िलहाल कोविड सेक्शन में, कोविड के दिनों में. तो इस तरह गाइस नियरेस्ट प्लेस भी जाना हो तो मास्क पहनिए ज़रूर. देख लिया, ये है अपना जिम और यहीं पे मैं आता हूँ. इतना दूर आना पड़ता है मुझे जिम के लिए, सोचा इतना डेडिकेटेड रहना पड़ता है. तो फ्रेंड्स आज मेरा जिम बता देता हूँ. कल मैंने क्या हुआ कि थोड़ा बहुत सिर्फ ज्ञान दिया आपको, टिप्स दिया, आज मैं जिम बता देता हूँ. यहाँ पे पुलअप्स के लिए रॉड है, अच्छी बात है. यहाँ पे
ट्विस्ट करने के लिए, हिप्स जो रहता है वो ट्विस्ट करने के लिए। यहाँ पे वेन स्केल मशीन है, यहाँ पे बैक मशीन है, वैसे इसमें आप मल्टीपल वर्कआउट कर सकते हो, जैसे कि ये लैट पुल डाउन के लिए और ट्राइसेप के लिए भी काम आता है, इसमें वो चेंज कर देते हैं हम लोग। और दूसरी बात, यहाँ पे लेग्स का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट मुझे इतना खास इम्प्रेसिव नहीं लगा तो मैं यहाँ पे लेग्स कर करता हूँ। ये जो मशीन है इस पर लेग रेजेस, लेग एक्सटेंशन वो बहुत अच्छे से होते हैं यहाँ पे। और सीटेड वो यहाँ पे करता हूँ मैं, बाय द वे ये हो गया। फिर ये बेंच अपना चेस्ट के लिए, शोल्डर एक्सरसाइज के लिए और ऑब्वियसली ट्राइसेप्स के लिए, डिप के लिए भी बहुत अच्छा है। बेंच आ गया तो मल्टीपल एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एलिप्टिकल मशीन है एंड क्रॉस ट्रेनिंग के लिए ये साइकिल है। तो कार्डियोज के लिए ये दो ट्रेडमिल है। वेट्स, हाईएस्ट वेट है अपने पास 15 kgs, उठा सकते हैं यार 15 kg, इतना कुछ टेंशन नहीं है। 15 kg हाईएस्ट रखा है। प्लेट्स अपने पास 10 kgs के चार प्लेट्स है एंड 5 kgs के चार प्लेट्स है एंड 2.5 kgs के चार प्लेट्स है। सो इतना ही रखा है, बहुत कम वेट रखा है फिलहाल, क्योंकि कोई एग्रेसिव हो के यहाँ पे वर्कआउट बता के कोई तोड़ फोड़ ना दे। और सिंपल सा जिम है, ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है। मैंने फिलहाल योगा स्टार्ट नहीं किया है, मुझे योगा का ज़रूरत नहीं फील होता है। मैं ब्रीदिंग सेशंस करते रहता हूँ बस, दैट्स इट। मैं जब भी भागता हूँ, दौड़ता हूँ तो इमीडिएटली 2 seconds का इसमें जो फिटबिट है मेरा, ये फिटबिट है यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं ब्रीदिंग सेशंस करते रहता हूँ, जो कि ट्रेडमिल पे दौड़ने के बाद 2 minutes का हार्ट रेट सेशन, वो बहुत ज़रूरी है। एवरी डे मैं करता हूँ, ट्रेडमिल पे एवरी डे नहीं दौड़ता हूँ बट जब भी दौड़ता हूँ करता हूँ। और इंटेंस वर्कआउट होता है जब सांस फूल जाती है, तभी भी मैं एक बार करता हूँ। तो इतना ही है गाइस, छोटा सा अपना जिम, आज कार्डियो सेशन है। और वेंटिलेशन के लिए ज़्यादा अपने पास होप्स नहीं है, सिर्फ इतनी सी एक खिड़की है वो ओपन करनी होती है, बस दैट्स इट। वो खिड़की एक्चुअली इस तरफ भी कुछ खिड़की होनी ज़रूरी थी बट नहीं है। वाइड पैनारोमिक ग्लास व्यू है अपने पास, तो अपन सब एंगल से देख सकते हैं कि फिट है कि नहीं, यहाँ से भी, वहाँ से भी और यहाँ से भी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरा कार्डियो सेशन कर देता हूँ और गेट बैक टू। सो इसी बहाने एक ट्रेडमिल सेशन का हो गया 1.3 kilometers। ये हालत हो जाती है। ओह आई फॉरगॉट ब्रीदिंग सेशंस, हाथ गीला हो गया ना तो फिटबिट बराबर से काम नहीं करता। तो ब्रीदिंग सेंसिंग कर रहा है, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम नोज। सेशन बीटरेट से 119 बीटरेट, विच इज लो एलाइनमेंट, बहुत फास्ट कंट्रोल होना चाहिए ब्रीदिंग में, अभी तक नहीं हो पा रहा है। टुडे इज डे 15th, मतलब सोचो कि रोज कर रहा हूँ मैं ये, फिर भी लो अलाइनमेंट बता रहा है। ये मीडियम अलाइनमेंट हो जाना चाहिए तब कभी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सोचो कितना मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत है। सो फ्रेंड्स, वर्कआउट तो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परसों के दिन मैं घर पे ऐसे ही बैठा था और सोचा कि जितने भी ये बिंज है, जैसे कि हॉटस्टार, Z5, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, सबका सब्सक्रिप्शन ले लूँ। अभी ऐसा लगता है कि बस वेब सीरीज़ और मूवीज़ ही देख कर निकालूँ, जितना हो सके उतना वही देखना है।
तो क्या है ना कि मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया और हॉटस्टार पे मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो सबसे पहले मैंने हॉटस्टार पे अभी देखा द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, बहुत ही अच्छा वेब सीरीज है गाइज। एवरी फ्राइडेज उसके एपिसोड्स, न्यू एपिसोड्स आते हैं। अभी तक फिलहाल 5 एपिसोड्स आए और बहुत ही अमेजिंग है, अच्छा लगा। बट एक बात है कि जो एवेंजर्स में आयरन मैन, हल्क, वो लोग का जो कॉमेडी हुआ करता था वो इसमें नहीं है। बहुत ही इंटेंस सीरियस वेब सीरीज है ये, बट देखने लायक है। एक्शंस बहुत सारे अच्छे सीन्स है एंड बकी और फाल्कन जो है बहुत ही अमेजिंग काम किया वो लोग ने और मुझे अच्छा लगा। यू कैन वॉच इट गाइस, हॉटस्टार सब्सक्राइब करो। और एक बात, लिफ्ट में से बाहर आने के बाद मुझे याद आया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग के घर पे हम रहते हैं 3 लोग, मम्मी, डैडी और मैं। तो अभी ये जो कोविड का जो सिचुएशन है उसके कारण हम लोग ने क्या प्लान किया है कि हम तीनों अलग अलग रूम में सोए। ये गए 2 हफ्तों से हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये मेरा लिविंग रूम है हमारा, और यहाँ पे मैंने गद्दा डाल दिया। सोफ़ा मेरे को बहुत छोटा पड़ता है बाय वेट वाइज, ये ब्रॉड है, फैल के सो सकते हैं। तो यही है हमारा गुजारा वसारा हो रहा है। इधर टीवी हम लोग देखते रहते हैं, ज़्यादातर मैं ही देखता हूँ। मम्मी अंदर किचन में काम कर रही है और डैड मास्टर बेडरूम में, मॉम सोती है, मॉम अंदर, मॉम सोती है यहाँ पर और डैड सोते हैं यहाँ पर। हेलो डैड, डैड का मस्त रूम है, एसी है, टीवी है, बाथरूम है, कुछ टेंशन ही नहीं है, मस्त है भाई। क्या मजेदार लाइफ जी रहे, देखो स्माइल, देखो स्माइल, देखो मिलियन डॉलर स्माइल। ऐसे ओल्ड मूवीज का सिलसिला चालू रहता है यहाँ पे दिन रात, ओल्ड मूवीज और यूट्यूब बस। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। शीघ्र मुलाकात होगी दोस्तों, अलविदा। बाकी सब ठीक है। ए भाई ये कौन लेगा, बहुत महंगी चीज़ है भाई।